किचुना हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग आए हैं बोगीबिल ब्रिज के नीचे में। तो थंबनेल देख के पता ही चल गया होगा आप लोगों को किस लिए आए हैं। तो आज आए हैं हम लोग पिकनिक मनाने के लिए। तो डिब्रूगढ़ से कैसे आए हैं आप लोग देखते रहिए बोगीबिल पे। और बहुत सुंदर एक जगह है बोगीबिल पिकनिक प्लेस। तो आप लोग जरूर आइएगा यहाँ पिकनिक मनाने के लिए। और चैनल पे जो नया सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, सबसे पहले नोटिफिकेशन चला जाएगा। चलिए देखते हैं हम लोग पूरा बोगीबिल ब्रिज। और आज एक तारीख पहला तारीख है साल का। तो हम लोग आए हैं साल का पहला तारीख को। आप लोग चैनल पे मेरे चैनल पे बने रहिए और मुझे सपोर्ट करते रहिए। चलिए देखते हैं पूरा बोगीबिल घूम के। दोस्तों, हम लोग घर से निकल गए हैं गाड़ी लेके। और जो जो जाने वाला था हम लोग गाड़ी में, तो सब भी आ गए हैं। तो हम लोग जल्दी निकल गए हैं। बोगीबिल बहुत सुंदर एक प्लेस है। जो ये मोदी जी ओपनिंग दिया था 2018 दिसंबर, तो बहुत सुंदर है बोगीबिल ब्रिज। मतलब ओपनिंग हुआ था, उसके नीचे में हम लोग पिकनिक मनाएंगे। और भी बहुत लोग आएगा पिकनिक मनाने के लिए। आप लोग देखते रहिए और बोगीबिल पूरा घूम के दिखाएंगे आप लोग को। तो अभी पहुंच गए बोगीबिल। दोस्तों, आए हैं हम लोग इधर से बोगीबिल ब्रिज के नीचे में हम लोग पिकनिक करेंगे। ये हम लोग का दो गाड़ी खड़ा हुआ है। और इधर मतलब कंचनजंगा चला जाता है और ये बोगीबिल ब्रिज। तो बोगीबिल नीचे, ठीक नीचे हम लोग पिकनिक करेंगे। तो वो देखिए, इस जगह हम लोग पिकनिक करेंगे। तो जाएंगे वहाँ, देखेंगे क्या क्या बनाते हैं पिकनिक, चले जाते हैं। दोस्तों, ये एक बोगीबिल बहुत सुंदर पिकनिक प्लेस है। हम लोग का डिब्रूगढ़ के सामने में ही है ये। ये डिब्रूगढ़ से 30 किलोमीटर कुछ। तो हम लोग आज यहाँ आए हैं पिकनिक करने के लिए। तो पासीगढ़ से कुछ लोग आए हैं हम लोग का, और डिब्रूगढ़ से हम लोग आए हैं। देखिए कितना सुंदर पिकनिक प्लेस है। ऊपर से मतलब ब्रिज है, बहुत बड़ा बोगीबिल ब्रिज, और इसके नीचे हम लोग पिकनिक कर रहे हैं। तो और भी आप लोग देखते रहिए। और यार देखिए, मच्छी पकड़ रहा है लोग, बहुत अच्छा लगता है सब देख के। और आज का पहला दिन है फास्ट 24 जो साल आया है नया, न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। तो आज का पहला तारीख, एक तारीख का पहला ब्लॉग है मेरा ये। थोड़ा देर बाद यहाँ बहुत लोग आ जाएगा और भी, ये देखिए पूरा और भी आएगा लोग। दोस्तों, बहुत आदमी, और भी बहुत आदमी आएगा। थोड़ा बहुत आया है अभी, पूरा जगह फुल हो जाएगा थोड़ा बाद में। हम लोग दिखाएंगे यहाँ पर बहुत मतलब आदमी आता है बोगीबिल में। एक तारीख को तो ज़्यादातर बोगीबिल में ही आता है। उस पर भी बहुत पिकनिक करने के लिए आता है, उस पर बहुत पिकनिक होता है। तो डिब्रूगढ़ से उस पार जाता है पिकनिक करने के लिए, और उधर से उस पार से इस पार आता है पिकनिक मनाने के लिए। दोस्तों देखिए कितना आदमी आ रहा है अभी, धीरे धीरे बहुत आदमी और आएगा। बहुत सुंदर जगह है बोगीबिल प्लेस ये। तो और भी बहुत लोग आएगा। और कुछ रह गया ये था ना, और कुछ दो आदमी है। तो हमको भी चाहिए।
दोस्तों ये जो बेम्बू दिखाई दे रहा है, ये बेम्बू सब में चिकन छोटा छोटा पीस करके सब्जी वब्जी मसाला वसला देके इसके अंदर घुसाएगा। और ये एक अरुणाचल डिश है जो इन लोग बना रहे हैं, तो हम लोग भी खाएंगे। और साइड में ये सब पॉर्क जो है वो रोस्ट करने के लिए दिया हुआ है, तो ये लोग भी ऐसे ही अरुणाचल में ऐसे डिश बनता है, तो बहुत अच्छा लगता है ये सब खा के। तो आज टेस्ट करेंगे। और मटन भी बनेगा आज, मटन का सब मतलब सब हो रहा है, सब कर रहा है, काट रहा है, छील रहा है, तो हम लोग मटन उटन बनाएंगे, सब खाएंगे अच्छे से। बहुत लोग अभी भी आ रहा है दोस्तों, देखिए। दीदी जब भी हम मटन बनाते हैं ना किचन में, भैया से जब भी आपका बने वाला अच्छा काम करो ना। दोस्तों ये है टुपला भात जो अरुणाचल डिश है एक, तो ये टुपला भात ऐसे पत्ता में बांध के ये सब बनाता है, मैं बहुत खाया हूँ ये सब, ये बहुत अच्छा लगता है और पेट के लिए भी बहुत अच्छा है ये भात चावल, तो आप लोग कभी ट्राई करके देखिएगा। ये कल पत्ता पे भी बना सकते हैं आप लोग, जो बनाना लीव्स होते हैं उस पर भी बना सकते हैं, और हल्दी पत्ता भी बना सकते हैं। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं बहुत आदमी आया है बोगीबिल पे, बहुत दूर दूर से भी आदमी आया है, तो और भी उधर में तो बहुत आदमी खा रहा है, लोग देखेंगे थोड़ा देर। ये भी एक पार्टी है, ये लोग भी आए हैं बहुत। नया साल में मतलब नया साल जो 24 में एक तरीके है आज, बहुत आदमी आए, ये टेंट उंट लगा लिया है, देखिए बहुत सुंदर से पिकनिक कर रहे हैं लोग। ये एक पार्टी है, ये लोग भी आए, बहुत लोग आते हैं यहाँ बोगीबिल पे, यहाँ भी लोग हैं, यहाँ भी है। और भी अंदर अंदर बहुत पिकनिक पार्टी है, और भी आने वाला है, और भी आएगा। और यहाँ भी बहुत लोग हैं। दोस्तों ये बोट जाएगा अभी घूमने के लिए बोगीबिल में,
तो आप लोग आने से इस बोट में घूम सकते हैं। पर हेड 50 रुपीस लेगा, तो हम भी जाएंगे अंदर, थोड़ा बहुत घूमेंगे, 20-25 मिनट घुमाएगा। चले जाते हैं। तो हम लोग बोट पे घूमेंगे अभी। दोस्तों अभी हम लोग नाव पे जा रहे हैं थोड़ा घूमने के लिए। तो अभी नदी के ऊपर है पूरा। बोगीबिल नदी के उस पार गया था हम लोग, ये बोट लेके सब आदमी गया था। तो अभी घूम के आ चुके हैं हम लोग, अभी छोड़ेगा हम लोग को, मतलब हम लोग साइड में जहाँ पिकनिक मना रहे हैं वहाँ छोड़ देगा। तो पर हेड 50 रुपीस करके लिया है। और एक कंचनजंगा में एक बोट है जो पर हेड 300 रुपीस लेता है, तो थोड़ा कॉस्टली गिर जाता है। तो ये सब छोटा छोटा नाव मिल जाता है बोगीबिल पे घूमने के लिए, जो 50 रुपीस करके 10-15 आदमी होने से लेके जाता है, 20-25 मिनट घुमाता है पूरा बोगीबिल नदी उस पार, मतलब ब्रिज का उस पार, इस पार दोनों सब मिला के घुमाता है। तो दोस्तों आप लोग आने से बोट सब में घूम सकते हैं, नहीं तो कंचनजंगा में हर टाइम बोट मिलता है, 300 पर हेड लेता है 300, तो आप लोग उस पर भी जा सकते हैं। तो अभी आ गया हम लोग। दोस्तों देखिए बहुत आदमी भी आ चुका है यहाँ पर पिकनिक मनाने के लिए। आज 1 तारीख है, तो साल का पहला दिन, मतलब यहाँ बहुत लोग आते हैं। दुकान भी लगा दिया। ये स्नैक का दुकान लगाया है, ऑरेंज ये सब का बहुत दुकान दिए है। बास बुस भी बहुत आया, और भी बहुत लोग आएंगे यहाँ पिकनिक मनाने, तो हम लोग पूरा घूम के देखेंगे। और एक ये भी, यहाँ भी पिकनिक खा सकते हैं, उधर भी खा सकते, बहुत जगह है पिकनिक करने के लिए, एंजॉय करने के लिए। तो ये एक मतलब रेस्टोरेंट है, आदमी है, कोई कोई आता है पिकनिक मनाने के लिए, एंजॉय करने के लिए, यहाँ खाना भी खाता है, बोटिंग भी होता है यहाँ पर। बहुत बड़ा बड़ा बास भी लेके आए हैं, तो हम लोग कंचनजंगा की तरफ जाएंगे उधर थोड़ा, और इधर भी जाएंगे। अभी पूरा भर्ती हो गया बोगीबिल पिकनिक स्पॉट, मतलब बहुत आदमी आ चुका है, और भी उधर भी बहुत लोग है। घूरबो एटे जाइबो। पिकनिक में आके नाच गाना नहीं हुआ, डांस नहीं हुआ, तो पिकनिक कैसा? तो सब मिलके यहाँ नाच गाना डांस कर रहे हैं, तो गाना तो हम लोग दे नहीं सकते, गाना देने से कॉपीराइट मिलते हैं, तो हम लोग यूट्यूब का जो गाना है वही देंगे। तो अच्छा अच्छा गाना में ही डांस हो रहा था, तो अभी देखिए ये, और बहुत आदमी आया है पिकनिक एंजॉय करने के लिए, सब एंजॉय कर रहे हैं। तो खाना वाना भी बन गया है, सब एक साथ खाना वाना बनाया है, और एंजॉय भी कर रहे हैं, पूरा नाच गाना भी कर रहे हैं। तो नाच गाना करके फिर हम लोग खाना भी खाएंगे, तो देखिए हम लोग खाना भी बन गया हम लोग का, तो अभी जाएंगे खाना खाने के लिए, खाने में मटन चटन सब कुछ है, तो जाते हैं। दोस्तों हम लोग के खाने में खाना मटन है, फिर टोपला भात है, सलाद है, और चिकन उकन भी था, चिकन उकन पहले ही ख़त्म हो गया है। तो अभी देखो मटन, पूरा मटन बहुत अच्छा मटन बना है। तो हम लोग टोपला भात ये मतलब एक अरुणाचल डिश होता है, जो कोला का पत्ता या जो हल्दी का पत्ता होता है, ये सब में भात बना के खाते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत टेस्ट लगता है। मैं बहुत बार खाया हूँ अरुणाचल में, तो यहाँ भी मतलब पासीघाट से कुछ लोग आया था, मतलब उस पार से,
तो हम लोग वो डिब्रूगढ़ से गए थे, तो वो लोग ही मतलब टुपला भात बनाया है। तो आज टुपला भात और बॉयल भी था, लाई साग बोलते हैं हम लोग का यहाँ पर आसाम में, तो लाई साग बॉयल था और मटन। हमें थोड़ा बहुत खा लेता हूँ अभी, फिर बात करता हूँ आप लोग से। तो बहुत अच्छा टेस्टी बना है खाना, तो मैं अभी खाने में कॉन्सेंट्रेट करता हूँ। चलिए, ये हम लोग उधर पिकनिक मनाए थे और शाम को जाने के टाइम दोस्तों ये पूरा जाम है, बहुत आदमी बहुत लोग आते हैं इस जगह मतलब पिकनिक मनाने पिकनिक करने के लिए। तो हम लोग भी कैसे गाड़ी निकालेंगे पता नहीं, देखता हूँ कैसे निकलता हूँ। पूरा जाम है बहुत दूर तक। लास्ट एंडिंग, सूरज भी डूबने वाला है, पूरा सनसेट अभी होगा और सब आदमी निकल रहा है। पूरा गाड़ी भी पूरा जाम है, इधर देख सकते हैं दोस्तों। आप आज पिकनिक प्लेस देखा आप लोग बोगीबिल, कैसा लगा कमेंट्स करके बताइएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। और पीछे पूरा जाम लगा हुआ है, तो हम लोग जल्दी जल्दी निकल जाएंगे अभी। तो आप लोग अच्छा से रहिए, सुस्त रहिए। आज के लिए इतना ही, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।